नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा। क्या आपने जो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है अभी तक, क्या उसमें पेनल्टी आ रही है और क्यों आ रही है उसके अंदर पेनल्टी? क्योंकि हो सकता है लिक्विडिटी क्रंच की वजह से या कोई और फैक्टर की वजह से आप अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर लेट फी काफी ह्यूज चल रही है। सरकार की मंशा यही थी कि डिसिप्लिन बना रहे, रेगुलर कंप्लायंसेस बने रहे और हर एक टैक्स पेयर सही तरीके से अपना टैक्स पे करते रहे जो उसने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। बट काफी केसेस में ऐसा सुनने को मिला है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास गई है कि लेट फी को वेव किया जाए। जो एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, एक रेगुलर पर्सन है जिसने अपनी रेगुलर अपनी रिटर्न फाइल करी है, उस केसेस में उसने अपनी जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करी है। एक सेकेंड फैक्टर लेते हैं, एक सेकंड पर्सन है, उसने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है क्योंकि हो सकता है कोई भी केस हो सकता है, उसके घर में कुछ नुकसान हुआ हो या उसका कोई और फैक्टर हुआ हो जिसकी वजह से वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन गए हैं, सरकार के पास दुहाई लेकर के गए हैं कि सरकार दुहाई हो कि हमारी लेट फी को आप वेव कीजिए। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से मैं टैक्स पे नहीं कर पा रहा हूं। अब सरकार आपके लिए एक नई स्कीम लेकर के आने वाली है, एमनेस्टी स्कीम, जो 14 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड होगा कि उस स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमें इस चैनल को, और ये जानिएगा कि सरकार आपके लिए इतने सारे बेनिफिट्स क्यों लेकर के आई। फरवरी 2020 से लेकर के मई 2020 तक की रिटर्न को सरकार ने ऑलरेडी उसकी रिटर्न ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। कोई लेट फी नहीं मांगी जाएगी, एक स्पेसिफिक ड्यू डेट बताई गई है कि इस तारीख से आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो तो कोई भी उस केसेस में लेट फी आपसे नहीं मांगी जाएगी, यहां तक कि इंटरेस्ट भी नहीं मांगा जाएगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। और 14 जून को जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी यही सरकार की मंशा रहेगी कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनकी लेट फी को वेव किया जाए। बट देखा जाएगा, उस वक्त देखा जाएगा 14 जून को। 14 जून को हमारे साथ बने रहिएगा कि 14 जून को देखेंगे कि सरकार ने किन केसेस में लेट फी को माफ किया है, किन केसेस में इंटरेस्ट माफ किया है। तो बेटर तो ये रहेगा कि इस स्कीम का आप फायदा जरूर उठाएं और अपने कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर ये वीडियो देख रहे हो या प्रोफेशनल या अकाउंटेंट भाई भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने क्लाइंट की जितनी सेवा आप कर सकते हैं इसके थ्रू उनका आप फायदा इसका उठा सकते हैं, इस एमनेस्टी स्कीम का, कि ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच है, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हुआ है और बिजनेसेस बंद होना शुरू हुए हैं, ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई, उस केसेस में सरकार का ये कदम बहुत ही लाजवाब है। मैं इसका इस तरीके से धन्यवाद देता हूं सरकार को कि उसने इस स्कीम के तहत सोचा समझा और रिप्रेजेंटेशन समझा। बहुत सारे एसोसिएशन और बहुत सारे ट्वीट्स जो सरकार के पास गए इसी मद्देनजर को देखते हुए, देखते हैं 14 जून को सरकार क्या डिसाइड करती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, 14 जून को देखते हैं कि सरकार आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर के आई है, कि कौन सी लेट फी वेव ऑफ करी है, कौन सी रिटर्न की लेट फी वेव ऑफ करी है और कौन से इंटरेस्ट माफ किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।